मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब विच कथित गुंडागर्दी बारे कांग्रेसी आगू सुनील जाखड़ की स्पैशल सैशन बारे मांग ठुकरा दिती। बादल संत रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले नूं मिलन उन्हां दे गृह स्थान परमेश्वर द्वार गए। सिख प्रचारक ते मुख मंत्री विचाले अद्धा घंटा बंद कमरा बैठक हुई। राज दे मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब दे माहौल विच अशांति पैदा करन वालियां घटनावां ते दुख दा प्रगटावा कीता। बहुत ज्यादा दुखी हां, बहुत ज्यादा इस चीज नूं कंडेम कीता है। देखो कुछ गल्लां करना चाहते जाखड़ साहब कदे इत्थे बाबा जी कोले आए भी नहीं आके पहले कदे नहीं आए। जी है ना, इह जे मसले सारयां नूं गंभीरता नाल देखना चाहिए। बाबा रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां ने मुख मंत्री तो असली हमलावरां नूं जल्द गिरफ्तार करन दी मांग दोहराई, जिस तों बाद बाबा रणजीत सिंह ढड्डरियां वालियां ने दमदमी टकसाल जां किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लैंदे होए कहा कि कथित दोषियों के समर्थक उन्हां नूं अजे भी शरेआम धमकियां दे रहे ने। आपां अज मीडिया विच वेख रहे आ वी जिहड़े करन वाले ने वो नारे ला रहे ने और ये कह रहे ने कि असीं अगे तो भी पथाड़े भन्नांगे। जिन्हां ने कीता है वो नारे ला रहे ने ते असीं जिहड़े लोक हाँ जिन्हां ते होया है, साढ़े किसी बंदे ने एक जगह कोई धरना नहीं लाया, कोई एक जगह नारा नहीं लाया। उदण दे बिल्कुल शांत बैठे हैं भी नहीं सानू लगता कुछ करो, क्योंकि किसी तरह भी माहौल नहीं खराब करना चाहते। यही इन्हां नूं कहा कि पंजाब सरकार का हुण फर्ज बनता है भी असी भी इतों के नागरिक हाँ और एक बंदे इन्ना धक्का करन, एक बंदे इन्नी शांति रखन और फिर भी अजे भी धमकियां दित्तियां जा रही ने। ऑफिशियल जिहड़ियां फेसबुक ने ऑफिशियल जिहड़ी उन्हां दी चलदी है स्टेटमेंट आ रही है और मीडिया दे विच माइक दे अगे खलो खलो के बंदे इदां बोल रहे हैं कि असी इदां ही पथाड़े भन्नने ने, इदां ही करना, तो उस वेले फिर दुख लगता। बाबा हरनाम सिंह धूमा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वह कहिंदे साडा कोई कसूर नहीं है, किसी बंदे दा साडे दा हत्थ नहीं है। वो डायरैक्टली उन्होंने किन्नी की जरूरत पैगी सी? नहीं, वो तो देखो जेड़ा कह रहे ने बई उन्हां बारे तो मैं तो जे वो तो सारी दुनिया वेख रही है, मैं तो नहीं कह रहा भी उही ने, पर दुनिया देख रही है, सारा कोई दिस रहा है, सारे सामने सबूत ने। तो अगली गल यह है भी उन्होंने जो तो बंदे कहिंदे कह रहे ने कि असी इदां ही पथाड़े भन्नांगे, इदां ही करांगे, वो कहिंदे ने साडे बंदियां दा विच हत्थ नहीं है। तुसीं देखो दो तरह की स्टेटमेंट आई है, खुद सुनो। पहला कहिंदे है ਇਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਥਾੜੇ ਭੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਵੇ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਨਿਊਜ਼।